वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर रेड हुई है। अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में भी छापेमारी हुई है। बता दें आपको कि रेड में गहने और 40 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। लेन देन से जुड़े सबूत भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम पटना से बता रहे हैं। बता दें आपको कि आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर रेड हुई। अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई है। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में छापेमारी हुई है। रेड में गहने और 40 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। साथ ही लेन देन से जुड़े जो भी सबूत थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं ईडी की तरफ से। बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में ये रेड किया गया है, जहां पर गहने और 40 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। लेन देन से जुड़े जो भी सबूत थे वो भी ईडी की तरफ से बरामद कर लिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले पर? देखिए, ये इस पूरे मामले पे जो अपडेट है वो यही है कि दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में छापेमारी जो है वो जारी है। और दिल्ली में जो ठिकाने हैं वहां पे मंगलवार की शाम से ये छापेमारी शुरू हुई थी। कोलकाता और मुंबई की बात करें तो यहाँ पे बुधवार की सुबह से छापेमारी शुरू हुई थी। और अभी जो ईडी के जो हमारे सोर्सेज हैं वो कल देर रात यानी कि मध्य रात्रि तकरीबन 12 बजे तक उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये छापेमारी अभी कंटिन्यू करेगी और आज भी ये छापेमारी जो है वो देर शाम तक चल सकती है। हालांकि ये छापेमारी कौन से वो अधिकारी आईएएस अधिकारी इस संदर्भ में फिलहाल नाम का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन सोर्सेज जो बता रहे हैं क्या दोपहर बाद हो सके तो ईडी जो है एक प्रेस रिलीज जारी करेगी और विस्तृत जानकारी जो है इस रेड के बाबत वो जारी करेगी। और ये बताते चले कि छापेमारी में जो तलाशी ली गई है इन तीन ठिकानों पर, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में, वहां पे 40 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद हुआ है और करोड़ों के जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए हैं उसका खुलासा हुआ है। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में जो है जेवरात, सोने चांदी के हीरे के जेवरात मिले हैं और अन्य जो लेन देन है उसका भी खुलासा हुआ है। कई और आईएएस अधिकारी जो हैं, आईपीएस अधिकारी जो हैं, उनके नामों का भी कुछ पता चला है। आप नजर बनाए रखिए और तमाम अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच पटना से एक और बड़ी खबर, जहां विभूतिपुर के बीओ कृष्णदेव महतो निलंबित कर दिए गए हैं। टीआरई वन में फर्जी रूप से योगदान कराने का इनके ऊपर आरोप, शिक्षिका रंजना को फर्जी तरीके से योगदान कराया गया था। कामेश्वर गुप्ता की अनुशंसा पर बीओ निलंबित किए गए हैं। कृष्णदेव महतो से पहले स्पष्टीकरण डीओ ने मांगा था, तो फर्जी रूप से योगदान कराने का आरोप और इसी आरोप में निलंबन ये किया गया है।